स्टूडेंट्स, आई होप यू आर हैविंग अ सेफ टाइम एट होम। तो जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एसएन टू रिएक्शंस को, एसएन वन रिएक्शंस को, तो सेवन पार्ट्स जो हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स के, वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर क्लास 12 के। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने सभी बनाए हैं। तो आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, जो कि हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोलैरिमीटर क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या है, लेबोरेटरी से हम क्या समझते हैं, कायरल कार्बन क्या है, अकायरल कार्बन का क्या है, और फिर हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? आर दोज कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं, ठीक है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। अगर हम किसी सॉल्यूशन में से, हमने क्या किया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड समझने से पहले हम एक ये फिगर को समझ लेते हैं, जिससे आपको सभी टर्म्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक ऑर्डिनरी लाइट ली, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट जो नॉर्मल बल्ब होता है, उस लाइट हर डायरेक्शन में प्रेजेंट है। हमने क्या करना है, इस ऑर्डिनरी लाइट को पास करवाना है निकोल प्रिज्म से। तो जैसे ही हम इसको निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं, तो वो एक हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या है, ऐसी लाइट जिसकी सिर्फ क्या होगी, सिंगल डायरेक्शन होगी। यहाँ पे सभी डायरेक्शन में प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो व्हेन दिस प्लेन पोलराइज लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड, ये क्या है, सॉल्यूशन है किसी कंपाउंड का, अगर इस सॉल्यूशन में से पास होते ही डायरेक्शन जो है प्लेन पोलराइज लाइट की चेंज हो जाए, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चली जाए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो जाए, यही प्लेन पोलराइज लाइट। देखिए, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होना मतलब कि राइट साइड पर मूव होना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होना मतलब कि लेफ्ट साइड पर मूव होना, यहाँ पे ये राइट साइड पर मूव हो रही है, ठीक है। जो कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दें, जिस मर्जी डायरेक्शन में रोटेट करें, चाहे लेफ्ट साइड पर कर दें चाहे राइट साइड पर कर दें, बट रोटेशन कर दें, उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, सम कंपाउंड्स रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट व्हेन दिस लाइट इज पास थ्रू देयर सॉल्यूशन, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जिस एंगल से, जैसे हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पर मूव होगी फॉर एग्जांपल, तो मतलब कि ये लाइट पहले ऐसे थी और अब कैसे होगी, ऐसे। अब देखो पहले कैसे थी, ये ऐसे, मैं डॉटेड करी, तो जिस एंगल से ये मूव हुई, जिस एंगल से ये रोटेट हुई, इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं पोलैरिमीटर। अब डेफिनेशन देखिए इसकी, द एंगल बाय विच प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलैरिमीटर। अब पॉइंट आता है कि अगर हमारी ये प्लेन पोलराइज लाइट जो है, अगर राइट साइड पर मूव हुई, मतलब कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव हुई, देन दिस कंपाउंड जिसका ये सोल्यूशन होगा, उस कंपाउंड को कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स। डेफिनेशन देखिए अब इसकी, इफ द कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, देखिए ये कंपाउंड कौन सा है, ये कंपाउंड जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इसने क्या किया, इस कंपाउंड ने इस प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड्स राइट मूव कर दिया, मतलब कि ऐसे थी उसको इस साइड पर मूव कर दिया, डेट मीन्स क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव कर दिया, तो डेट मीन्स ये कंपाउंड क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स द राइट साइड। नेक्स्ट है हमारे पास लेबोरेटरी। लेबोरेटरी कंपाउंड्स कौन से होते हैं, लेबोरेटरी कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी कंपाउंड्स। अब बात आती है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड ऐसा है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल डी से, और वो कंपाउंड लेबोरेटरी भी है, एल से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उस कंपाउंड को, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उस कंपाउंड को, तो ऐसे कंपाउंड्स जब हमारे पास प्रेजेंट होंगे तो उनको क्या बोलेंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है वो पर्टिकुलर कंपाउंड, एंड द फिनोमिना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास असिमेट्रिक कार्बन।
असिमेट्रिक कार्बन क्या आते हैं, क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हमारे पास एक एक कार्बन है, सेंट्रल कार्बन है, इसके ऊपर प्रेजेंट है एक हाइड्रोजन, एक प्रेजेंट है क्लोरीन, एक है फ्लोरीन और दूसरा है ब्रोमीन। ठीक है, अब देखिए जो ये मैंने डार्क में बनाया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन प्रेजेंट है, और जो ये मैंने डैश में बनाया है इसका मतलब है कि जो क्लोरीन है वो बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, और जो ये बॉन्ड है उनका मतलब है कि ये इन द प्लेन, ये क्या है, इन द प्लेन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने बात करनी है असिमेट्रिक कार्बन की। असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, देखिए अब ये जो कार्बन है ये इसका सेंटर पॉइंट है, दिस सेंटर कार्बन इज अटैच टू द फोर डिफरेंट ग्रुप से ये कार्बन हमारा अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है और ब्रोमीन है, चारों के चारों ग्रुप कैसे हैं, अलग हैं। तो डेट मीन्स जो ये हमारा कार्बन है ये कैसा कार्बन है, असिमेट्रिक कार्बन है। देखिए ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, इफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द काइरल कार्बन आर डिफरेंट सच कार्बन इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन एंड ऑल्सो नोन एज स्टीरियो सेंटर। इस टर्म जो है वो है काइरल। काइरल का मतलब क्या है कि those objects are said to be chiral which are non-superimposable on their mirror image. non-superimposable का मतलब क्या है, देखिए जैसे मेरा ये एक हाथ है, ठीक है, इसका अगर मैं मिरर लगा दूँ यहाँ पर तो ये कैसा नज़र में आएगा, ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो हाथ है मेरा, क्या मिरर इमेज, ये मेरी मिरर इमेज है इस हाथ की, तो क्या ये इसके सुपर इम्पॉसिबल है, नहीं नहीं है ना। तो डेट मीन्स कि हैंड जो है वो हमारा किसका एग्जांपल है, काइरल का। देखिए अगर दोबारा से, अगर इसमें सुपर इम्पॉसिबल होता तो ये कैसे सुपर इम्पॉसिबल है, ऐसे सुपर इम्पॉसिबल है ये, बट हमें मिरर जब हम इसके बीच में लगाएंगे तो हमें ये इस तरीके से नज़र में आएगा, मतलब दिस इज माई मिरर इमेज ऑफ दिस हैंड। तो ये कैसे है, देखिए दोबारा से, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो वो कंपाउंड्स या वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी मिरर इमेज उसके ओरिजिनल के साथ नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो तो वो कैसे होते हैं, काइरल। नेक्स्ट आता है हमारे पास अकायरल। अकायरल क्या होते हैं, जिनके मिरर इमेज क्या हो, सुपर इम्पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये एक सर्कल है, अगर मैं इसके यहाँ पर मिरर लगा दूँ तो ये जो मेरा स्फीयर है ये मुझे कैसा नज़र आएगा, ऐसे ही नज़र में आएगा। तो ये मिरर इमेज अगर मैं इसको लेके इसके ऊपर रखूँगी तो कैसी हो जाएगी, सुपर इम्पॉसिबल, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर अच्छे से हो जाएगी फिट। तो डेट मीन्स कि ये किसका एग्जांपल हो गया, अकायरल का, और हमारे पास हमारा हैंड किसका एग्जांपल हो गया, अकायरल का। कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं, ये एग्जांपल एनसीईआरटी का ही 10.8 एग्जांपल है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि हमें ये दो दो करके सब्स्टिट्यूएंट, वो दो दो करके कंपाउंड्स दे रखे हैं, हमें इनमें से बताना है कि इन दोनों कंपाउंड में से वी हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज काइरल, ठीक है, और विच वन इज अकायरल। तो हमने पढ़ा काइरल कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जिनके ऊपर जिनकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, और अकायरल कौन से होते हैं, जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल हो। ये तो हो गया, बट और क्या तरीका है काइरल और अकायरल देखने का, कि हमारे पास अगर चार सब्स्टिट्यूएंट, अगर सेंट्रल कार्बन के ऊपर फोर सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच होते हैं अगर वो डिफरेंट है, तब भी इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं कि ये कार्बन कैसा है, काइरल कार्बन है। तो हम इसके अंदर इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने, हमारे पास ये सेंट्रल कार्बन है, हाइड्रोजन अटैच है, OH ग्रुप है, ब्रोमीन है और मिथाइल ग्रुप, फोर ग्रुप कैसे हैं, चार के चार ग्रुप अलग हैं, डिफरेंट हैं। जिससे हमें कंपेयर करना हमने उसको देखा, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, CH3 है, दो ग्रुप क्या हो गए, सेम। दैट मीन्स ये काइरल नहीं है, काइरल कौन सा है हमारा, ये वाला कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने बात की, तो हमें देखिए इस किस कार्बन को देखना है, इस कार्बन को, और इसमें देखना हमने इस कार्बन को। तो देखिए
जो ये हमारा ये कार्बन है, ये हमारा सेंटर कार्बन है, इसके ऊपर क्या अटैच है, OH ग्रुप है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक CH3 प्रेजेंट है और एक ये पूरा का पूरा ग्रुप प्रेजेंट है ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना, तो हम 4 ग्रुप्स को ही देखेंगे इसके अंदर। तो डेट मीन्स इसके अंदर भी क्या है, 4 ग्रुप डिफरेंट है। नेक्स्ट की बात करें इस कार्बन की, देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, थर्ड ग्रुप कौन सा अटैच है, ये पूरा अटैच है। इस ग्रुप का नाम क्या है, देखिए CH2CH3, ये CH2 हो गया और ये CH3 अटैच है। जो फोर्थ लगा हुआ है ये क्या है, ये भी तो CH2CH3 ही है, देखिए ये CH2 और ये CH3, तो दो ग्रुप तो हमारे क्या हो गए, सेम नहीं हो गए, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, डेट मीन्स ये भी कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कंपाउंड नहीं है। कायरल कंपाउंड कौन सा है हमारा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर हमें कौन सा सेंटर देखना है, एक ये सेंटर और इसके अंदर हम चेक करेंगे इस सेंटर को। देखिए फर्स्ट हाइड्रोजन लगा हुआ है, CH2CH3 लगा हुआ है और ब्रोमीन लगा हुआ है और CH3 लगा हुआ है, सबके सब क्या है, अलग अलग प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे, ये कैसा है, कायरल है, क्योंकि इसके अंदर 4 ग्रुप जो हैं हमारे डिफरेंट प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो देखिए ये हमें दो हाइड्रोजन सेम दिख गए, जहाँ पर भी आपको दो ग्रुप सेम दिख जाए वो कार्बन कभी भी कायरल नहीं होता, वो कार्बन अकायरल कार्बन होता है। आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस की कुछ टर्म्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कौन से हैं, लेवो रोटेटरी कंपाउंड कौन से हैं, कायरल कार्बन कैसे हैं और कैसे उनको ढूंढा जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हमारी रिएक्शंस को ही कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल, ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू फाइंड दिस वीडियो नॉलेजेबल देन शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।